बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुजम्मिल रऊफ खान हियर, 10th क्लास। एज यू नो वी आर डिस्कसिंग न्यूमेरिकल। टुडेज़ वी आर डिस्कसिंग न्यूमेरिकल 10.7। अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड्स। वाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव, वाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, वाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव। ये चीज़ें तो हम लोगों ने फाइंड करनी है। डेटे में हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसे दोबारा से रीड करते हैं और जो जो चीज़ गिवन है उसे हम राइट करते जाते हैं। अभी अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड, एक ट्रांसवर्स वेव पैदा करती है ना स्प्रिंग, एक स्प्रिंग पर, हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज़, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 190 हर्ट्ज़ है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हम राइट कर लेते हैं, दैट इज़ 190 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ क्या है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एंड ट्रैवल्स अलॉन्ग द लेंथ, और वो सफ़र तय करती है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर, जो उसका डिस्टेंस कवर हो रहा है वो हमारे पास कितना है। यहाँ पर भी डिस्टेंस एस इज इक्वल टू 90 मीटर इन 0.5 सेकंड, जो उसका टाइम उसे लगता है यहाँ तक पहुँचने के लिए वो है 0.5 सेकंड। हम लोगों ने जो चीज़ें फाइंड करनी है अब उसकी तरफ आते हैं। अभी टू फाइंड, सबसे पहली चीज़ है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव, यानी टाइम पीरियड जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है, दैट इज़ कैपिटल टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दूसरी चीज़ ने पूछी हुई है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव यानी वी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तीसरी चीज़ ने पूछी हुई है व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव, वेव लेंथ जो है वेव की हम लोगों ने फाइंड करनी है, यानी लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास डेटा भी कंप्लीट हुआ, जो चीज़ें फाइंड करनी थी वो भी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम देखते हैं कि उसका फार्मूला कौन सा लगना है और उसकी कैलकुलेशन जो है वो कैसे होनी है। फार्मूले में हमारे पास सबसे पहली चीज़ है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमेशा फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है, टी इज़ इक्वल टू 1/f। दूसरी चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है स्पीड, वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, क्योंकि लैम्डा भी हम लोगों ने फाइंड करना है और हमने स्पीड भी फाइंड करनी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्पीड का फार्मूला वी इज़ इक्वल टू एस ओवर टी जो होता है उसकी मदद से हम स्पीड फाइंड करेंगे। तीसरी चीज़ जो हमारे पास है लैम्डा, हम लोगों ने फाइंड करना है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा की मदद से हमारे पास जो है वेव लेंथ उसकी आ जानी है। अब उसके बाद हमारी जो कैलकुलेशन है वो देखते हैं। अभी सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने फाइंड करनी है दैट इज़ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने देखा है टी इज इक्वल टू 1/f, यानी टाइम पीरियड तो फाइंड करना है 1/f। एफ की वैल्यू हमारे पास 190 है, जब इसे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास उसका आंसर जो है वो आ जाता है 0.005। अब इसका यूनिट सेकंड होता है, इसलिए लास्ट फिगर जो है वो 5 से ग्रेटर फिगर, 5 या 5 से ग्रेटर पिछला राउंड होता है, यानी 0.1 सेकंड जो हमारे पास है उसका टाइम पीरियड आ गया। यहाँ पर अब दोबारा से देखिए 0.05 आ रहा था, 5 या उससे ग्रेटर फिगर है तो पिछला राउंड हो जाता है, इसलिए मैंने 0.1 सेकंड ले लिया उसको भी। अब जो दूसरी चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है दैट इज़ स्पीड, तो उसका फार्मूला हमारे पास है भी डिस्टेंस ओवर टाइम, वी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास 90 है और टाइम हमारे पास 0.5 है, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 180 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ गया भी, उसकी स्पीड जो है वो आ गई। तीसरी चीज़ जो हम लोगों ने फाइंड करनी है दैट इज़ वेव लेंथ, यानी वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। वी हमने निकाला हुआ है 180, उसकी यहाँ पर 180 आ गया। फ्रीक्वेंसी हमने निकाली हुई है 190, सॉरी हमारे पास मौजूद है वो 190 होगी। लैम्डा हम लोगों ने फाइंड करना है, क्योंकि लैम्डा फाइंड करना है उसके साथ 190 मल्टीप्लाई हो रहा है। मैथ के असूल के मुताबिक अगर एक साइड पर मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाती है, यानी 180 डिवाइडेड बाई 190 इज़ इक्वल टू लैम्डा की, यानी लैम्डा इज़ इक्वल, जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो उसका आंसर आता है 0.947 आ जाता है, अभी 0.947 मीटर। जब इसे मैं राउंड करता हूँ तो हमारे पास क्या जाता है 0.95 मीटर, ये हमारे पास उसकी वेव लेंथ आ जाती है। यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल जो है कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो उसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 10.8, उसका डेटा देखते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है। वाटर वेव्स इन अ शालो डिश, शालो डिश हमारे पास क्या होता है, शालो कम गहरा पानी होता है अभी, और 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। वाटर वेव्स की जो लेंथ हमारे पास वो कितनी है, अभी 6 सेंटीमीटर है, यानी वेव लेंथ है वाटर वेव्स, उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है अभी 6 सेंटीमीटर, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, लैम्डा इज इक्वल टू 6/100 मीटर, क्योंकि हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, छोटे यूनिट से बड़े में जा रहे हैं, तो एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर है तो उसको 100 पर डिवाइड कर दिया, तो लैम्डा हमारे पास आ गया 0.06 मीटर।
एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। वाटर जो है एक पॉइंट के ऊपर इस तरह से अप एंड डाउन जो मोमेंट है वो अपनी कर रहा होता है। ये उसकी अप एंड डाउन मोमेंट को बात कर रहा है अभी। ये अप एंड डाउन यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही होती है अभी, फ्रीक्वेंसी हुई है उसकी, हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है अभी, ये फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीट इन वन सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट इन वन सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड जो है वो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, दैट इज 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड ले लें आप लोगों की मर्जी है, या हर्ट्ज ले लें आप लोगों की मर्जी, क्योंकि ऑसिलेशंस पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज जो होता है वो सेम एक ही चीज़ होती है। अब हमने जो फाइंड करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स, टू फाइंड सबसे पहली चीज़ जो है वो स्पीड है, यानी v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब दूसरी चीज़ जो हमारे पास है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, यानी टाइम पीरियड, वो भी हम लोगों ने उसका फाइंड करना है, कैपिटल T, दैट इज क्वेश्चन मार्क। आगे उसका फार्मूला हमारे पास है, स्पीड v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है अभी वैसे का वैसे, यानी एक ही हमारे पास एफ लैम्डा। दूसरा हमारे पास जो है टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल टू इट्स फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने ले लिया। अब हमारे पास जो उसकी कैलकुलेशन है वो देखते हैं अभी। कैलकुलेशन में हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है अभी, हम फाइंड कर रहे हैं अभी उसकी जो स्पीड है, वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब चूंकि v हमने फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 4.8, v वैसे का वैसे 4.8, उसको मल्टीप्लाई करना है 0.06 के साथ, तो हमारे पास उसका जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आता है 0.288 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ अ यूनिट ऑफ स्पीड होता है। अगर मैं इसको राउंड करता हूँ तो क्या हो जाता है 0.29 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास उसकी स्पीड आ गई है। अब हमारे पास दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है, दैट इज़ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज़ रेसिप्रोकल टू इट्स फ्रीक्वेंसी होता है अभी, t इज़ इक्वल टू 1/f, यानी 1/4.8 करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है अभी 0.20 समथिंग आ रहा है, 0.2 सेकेंड ले लें, तो ये हमारे पास उसका टाइम पीरियड आ जाता है अभी। ये आप लोगों के चार न्यूमेरिकल आज कंप्लीट हुए, इस अच्छे तरीके से कीजिएगा अभी। थैंक यू सो मच।